हेलो फ्रेंड, कैसे हो? स्वागत करते हैं फिर से एक और न्यू वीडियो पे। फ्रेंड, अक्सर आप लोगों का सैमसंग का हैंडसेट आपसे लॉक हो जाता है, पासवर्ड भूल जाते हो, पिन लॉक भूल जाते हो या फिर पैटर्न लॉक भूल जाते हो। तो फ्रेंड, आज मैं एक न्यू वीडियो लेके आया हूँ 2023 दिसंबर सीजन का। ठीक है, अगर आपका सैमसंग का हैंडसेट है और आपसे फ़ोन लॉक हो गया है पासवर्ड, पिन, पैटर्न में, और आप अपने सैमसंग में लगे हुए लॉक स्क्रीन को अनलॉक नहीं कर पा रहे हो और आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हो, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। ठीक है, क्योंकि इस वीडियो में हम आज के वीडियो में आपको यही बताएंगे कि कैसे अपने सैमसंग में लगे हुए लॉक स्क्रीन को हटाया जाता है। ठीक है ना, तो फ्रेंड आपको करना क्या है पहले मैं बता दूँ। तो आइए, मैं पहले एक वीडियो को मैं पहले स्टार्ट कर देता हूँ, फिर मैं आगे बात करता हूँ। ठीक है, तो वीडियो को मैं पहले फटाफट स्टार्ट करता हूँ। स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पे नए हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर ले, ताकि ऐसा ऐसा वीडियो में हर हमेशा आपके लिए मैं लाता रहूं। तो फ्रेंड, अगर आपका फ़ोन है और आप अपने हैंडसेट को में लॉक लगा दिए हो, तो आपको अनलॉक करने से पहले अपने फ़ोन का एयरप्लेन मोड ओपन करना होगा। ठीक है, यदि आपका एयरप्लेन मोड का ओपन नहीं हो रहा है तो अपने फ़ोन में से सिम कार्ड निकाल देना। एंड देन इसके बाद आप लॉक स्क्रीन पेज पे आओगे तो देखोगे कि यहाँ पे पिन लॉक है, पैटर्न है या पासवर्ड है, कोई फर्क नहीं पड़ता है फ्रेंड। आपके फ़ोन में कोई भी लॉक हो, सिंपली आपको इमरजेंसी कॉल का पेज ओपन करना होगा। इमरजेंसी कॉल का पेज ओपन हो करते ही यहाँ पे एक कोड को डायल करना होगा, जो कि ये कोड बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपका फ़ोन को अनलॉक करने में बहुत ही हेल्प करेगा। ठीक है, तो इस कोड को आपको अपने फ़ोन में कॉपी करना है, तो कॉपी कर सकते हो। मैं यहाँ पे कुछ सेकंड के लिए मैं रोकता हूँ वीडियो। यदि इस कोड को आप कॉपी कर लियो अपने फ़ोन में, तो बस आपको यहाँ पे ये कॉल वाला ऑप्शन जो दिख रहा है, कॉल पे आपको क्लिक करना है। आपके स्क्रीन पे एक नोटिफिकेशन आएगा, सिंपली आपको करना क्या है, ओके कर देना है। एंड देन इस कोड को फिर हटा लेना। इस कोड को हटाने के बाद आपको यहाँ पे एक और डाटा रिकवर का कोड दिया जाएगा। ठीक है, जिससे आपका डाटा रिकवर हो सके। तो ये कोड को आप अपने फ़ोन में यूज कीजिए। यूज करने के बाद इस कोड को भी आपको एक्टिवेट करना होगा। ठीक है ना, तो ये कॉल वाला ऑप्शन पे फिर क्लिक करना है, फिर आपके एक नोटिफिकेशन आएगा, फिर आपको ओके करना है एंड देन फिर इस कोड को हटा लेना। हटाने के बाद यहाँ पे एक और मास्टर अनलॉकिंग कोड दिया जाएगा, *#899#। ये कोड को डायल करते ही आप एक इंजीनियर मोड के फाइल पे आओगे। यहाँ पे आने के बाद आपको मैनुअल टेस्ट का ऑप्शन ओपन करना पड़ेगा। ठीक है, जब ये इंजीनियर मोड पे आने के बाद जब 4 नंबर का मैनुअल टेस्ट का ऑप्शन ओपन कीजिएगा, फिर 2nd नंबर डिवाइस पे आओगे, इसके बाद थोड़ा सा नीचे आओगे, सेलेक्ट करोगे तो आपको यहाँ पे जी सेंसर का ऑप्शन मिलेगा। जी सेंसर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जी सेंसर को ओपन कर दीजिएगा और यहाँ पे एंगल एक्स वाई जेड का ऑप्शन थोड़ा सा चेक कीजिएगा। ठीक है, जब ये ऊपर जो एंगल जो देख रहा है आपका 9 तक जा रहा है, ठीक है ना, 10 तक कभी भी नहीं जाएगा। 10 तक जब हो जाए तो आपको इसे बैक कर लेना होगा। बैक करने के बाद फिर बैक कीजिएगा, इसके बाद आपको एम सेंसर पे क्लिक करना है और एम सेंसर का यहाँ पे डिग्री देखिएगा, 281 डिग्री है। यहाँ पे ये कम देखिए, कम हो गया, इसे पैक कर लीजिएगा। फिर नीचे आके OTG टेस्ट को ओपन कर दीजिएगा। यहाँ पे सारा का सारा OTG टेस्ट आपका पास फेल जो भी होगा आपको यहाँ पे रिजल्ट बता देगा। ठीक है ना, तो आपको यहाँ पे अब 20 सेकेंड के लिए आपको वेट करना पड़ेगा, तो आप वेट कीजिएगा। जब 20 सेकेंड कंप्लीट हो जाए तो यहाँ पे फाइल का ऑप्शन हो या पास का, देखिए फाइल हो गया, इसे हम बैक कर लेंगे। ये टेस्ट मेरा पास, एम सेंसर ऑटो टेस्ट पे क्लिक करेंगे, टेस्ट सक्सेसफुल, होम बटन क्लिक करेंगे एंड देन फिर लॉक स्क्रीन पे आएंगे, इमरजेंसी कॉल का पेज ओपन करेंगे, यहाँ पे एक और कोड डायल करेंगे, ये कोड को डायल करने के बाद कॉल करेंगे, ओके करेंगे, होम बटन को क्लिक करेंगे,
हमारा फ़ोन अनलॉक हो जाएगा बिल्कुल फ्री में, बिना डाटा डिलीट किए और बिना पैसा वेस्ट किए। आई होप ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।